नमस्कार और स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिकेट नगर। मैं हूं आयुष शर्मा, मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है मेरे दोस्त मेहरान जैदी। दूसरे दिन का जो खेल है वो समाप्त हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत सिडनी में ये तीसरा टेस्ट मैच जो खेला जा रहा है। पहला दिन जो है बारिश ने जो है एक विलन का रोल जो है एक तरीके से अदा किया, बारिश आती रही, इतना खेल देखने को नहीं मिला। 166 पे जो है 2 विकेट खोई थी ऑस्ट्रेलिया ने और पहले दिन का खेल जो है समाप्त हुआ था। आज एक स्पेशल इनिंग्स देखने को मिली हमें, एक बार फिर से स्टीव स्मिथ के बल्ले से सैकड़ा जमाया और जिस तरीके से वो लास्ट मोमेंट्स पे बैटिंग कर रहे थे लग रहा था कि स्टीव स्मिथ जो है वो फिर से वापस आ चुके हैं। लेकिन एक अच्छी बात, जैसे ही नई बॉल ली तो जसप्रीत बुमराह ने विकेट्स लिए, देन उसके बाद जो एक स्पेल था यहाँ पे रविंद्र जडेजा का, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इंडिया को जो है वो वापस लाके खड़ा कर दिया इस मैच में। और अभी तक तो अच्छी चीजें जा रही हैं इंडिया के लिए, लेकिन दोनों ही टीम्स जो हैं अभी गेम में बनी हुई। तो मेहरान सर, पहले दिन का खेल जब समाप्त हुआ तो हमें लगा कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, अभी अगर देखें तो इवन स्टीवंस हैं, दोनों ही टीम जो है अभी बनी हुई है इस मैच को जीतने के लिए। नहीं जी, सही, बहुत सही है। अभी इस टाइम तो बिल्कुल मैच इवनली पॉज्ड है और इंडिया ने बहुत अच्छा कमबैक किया है। कल जैसे तो ऑस्ट्रेलिया का डे था इजीली, और उनके दो 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 ही उनके बैट्समैन हैं देखने के लिए, देखा है तो मेन वार्नर को, अगर अभी वार्नर को भी अगर काउंट ना करें कि अभी तो आए इंजरी से, फिर तो इतना वो नहीं है, आउट भी हो गए थे। तो वो यही लग रहा था कि अब इस पार्टनरशिप अगर चलती रही तो, और बाकी भी बैटिंग बची है तो कहीं खिचखिचा के 450 तक प्लस जा सकता था स्कोर, 400 प्लस। लेकिन बहुत अच्छा कमबैक किया इंडिया ने और बड़ी शानदार बॉलिंग रविंद्र जडेजा की और बुमराह की रही और स्मिथ की सेंचुरी हुई। हाँ, ऑफकोर्स ड्यू था वो, तो बिग प्लेयर्स जो इस लेवल के प्लेयर होते हैं उनको आप बहुत देर, कई मैचेस तक आप उनको क्वाइट नहीं रख सकते। तो क्लास जो होती है, क्लास जैसे कहते हैं, क्लास इज परमानेंट वाली बात होती है, तो वो था। और बट आई थिंक इंडिया वुड बी सेटिस्फाइड आज के डे के हिसाब से, बिकॉज 338 ठीक है। और अभी स्टार्ट इंडिया का बस बैटिंग, अगर एक दोनों में ना आउट होते तो और अच्छा था, एक भी अगर शायद दोनों में से एक एक विकेट अगर होता तो बिल्कुल आइडियल रहता, लेकिन बट ठीक है। आई थिंक ओवरऑल दिस शुड बी कुड बी कॉल्ड इंडियाज डे। बिल्कुल, यहाँ पे जो इंडिया का दिन कह सकते हैं और मिला जुला दिन रहा, और इंडिया के फैंस जो हैं वो भी काफी खुश होंगे। लेकिन स्टीव स्मिथ की बात कर लें, बहुत सारी चीजें बोली गई दो 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 टेस्ट मैच के बाद कि अश्विन के बनी बन गए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा, उनका मेंटल स्टेट क्या है वो समझ नहीं आ रहा। लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में पहली इनिंग में उन्होंने बता दिया कि देखिए बिल्कुल अपने मेहरान सर की क्लास जो है वो हमेशा परमानेंट होती है, और आप ज्यादा देर उन जैसे प्लेयर को इतना शांत नहीं रख सकते। एंड सेकंड फास्टेस्ट जो है बैट्समैन बन गए हैं 27 सेंचुरी बनाने की अगर हम बात करें टेस्ट करियर में, इनके आगे सिर्फ डॉन ब्रैडमैन ही है, बाकी तो और कोई बैट्समैन है नहीं। तो लगातार जो है रिकॉर्ड जो है वो पाइल अप हो रहे स्टीव स्मिथ के करियर में, और ये तब है जब उन्होंने 1 साल का बैन ले किया है। बैन अगर मिला वो एक था साल का बैन नहीं होता तो ये शायद तो और भी ज्यादा और ज्यादा रिकॉर्ड्स होता। बनाते वो। नहीं, बिल्कुल आप बात सही है। और जिस तरह से उनका जो जो जैसे उन्होंने रिएक्ट किया सेंचुरी बनाने के बाद, जो थोड़े इमोशंस उनके थे और एक सॉर्ट ऑफ एक एंगर कह लिए, मतलब जो एक वो प्रेशर रिलीज साफ का टाइप का हुआ उनके चेहरे से, तो उससे लग ही रहा था कि उन पर कितना ज्यादा दबाव था। और वही जैसे आपने बात की अश्विन वाली, और उन्होंने खुद भी कहा था कि आपने वो लेट बॉलर और स्पिनर डिक्टेट मी लाइक दिस, तो वो काफी ज्यादा अंडर द पंप थे अश्विन के से। लेकिन इस इनिंग में जैसे ही वो आए, जब से बैटिंग करने, पहली बॉल से ही लग रहा था कि वो डिफरेंट इंटेंट से आए, जिस तरह से ही वॉज नॉट बिल्कुल होल्डिंग बैक हिज शॉट्स, और जिस तरह से उन्होंने बैकफुट पंचेज, कवर ड्राइव, जो सब मतलब जैसे मतलब रेगुलर अपना खेल खेला वो खेलते हैं वैसे ही खेला। तो अब ये है कि वहाँ लास्ट नेक्स्ट इनिंग्स और अगले दो टेस्ट मैचेस के लिए थोड़ा सा एक इंडिया के लिए ओमिनस साइंस हैं कि लेबुशेन भी मतलब बिल्कुल एंड स्मिथ दोनों ही अच्छे फॉर्म में हैं अब। बिल्कुल, दोनों ही अच्छे फॉर्म में आ गए, और ये टेस्ट मैच जो है वो जरूर याद रखा जाएगा दो यंगस्टर्स के लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर हम बात करें तो विल पकोस्की पहली इनिंग्स खेल रहे थे, पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, वहां पे जो है 50 ऑड रन की पारी खेली। यहाँ पे शुभमन गिल जो है
उन्होंने अपना जो है पहला जो है अर्धशतक बनाया और दोनों ही बैट्समैन जो है काफी पॉजिटिव नजर आए। हाँ, विल पकोस्की पहले 5-6 बॉलों में नजर आया कि थोड़ा बहुत जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉल कंडीशंस कैसे, लेकिन एक बार जब वो सेट हुए तो देन विल पकोस्की वॉज एक्चुअली गोइंग फॉर अ बिग इनिंग, वो तो आउट हो गए। लेकिन दोनों ही बैट्समैन, दोनों का टेम्परामेंट जो है, दोनों यंगस्टर्स का, वो लग रहा है कि शायद एक बड़ा जो है बड़ा बड़ी एक जो है इनिंग देखने को मिलेगी हमें टेस्ट करियर की बात करें तो। नहीं नहीं आप सही बात है, दोनों गिल ने तो खैर गिल का ऑफकोर्स हमें ज्यादा पहले से पता था और फर्स्ट से भी खेले थे, और बिल्कुल उसके बारे में बहुत सुना था। शेफील्ड शील्ड में उन्होंने बहुत अभी बहुत रन मारे बनाए हैं अभी रिसेंटली, तो उनके जो लास्ट 2-3 मैचेस में तो उन्होंने आई थिंक एक डबल सेंचुरी और सेंचुरी और मार के आए, तो उनके काफी अच्छे रेपुटेशन पे आए हैं और काफी अच्छे लगे, काफी उनके कंपोज लगे बैटिंग में और शॉट्स भी अपने खेले तो। एंड गिल तो ऑफ कोर्स हर मैच के साथ हर इनिंग के साथ ही इज लुकिंग अ बेटर प्लेयर, और आज भी जो उन्होंने शॉट्स मारे हैं वो तो स्पेशली जो एक बैकवर्ड पंच मारा था बिल्कुल वो तो बहुत ही जोरदार शॉट था और काफी मतलब ही लुक्ड काम और कूल। बीच में वो लैबिशन ने कोशिश भी करी थोड़ा सा उनको पिंच करने की, थोड़ा सा एक माइल्ड स्लेजिंग भी करी थी, लेकिन वो ही लुक मतलब वो ज्यादा उससे हिले हुए लगे नहीं, तो अच्छी बात है इंडिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑफकोर्स पिलकोस्की और इंडिया के लिए गिल एक अच्छा फाइंड है और होपफुली ही कंटिन्यूज टू परफॉर्म। बिल्कुल, और 96/2 हो चुका है अगर हम बात करें इंडिया का पहली इनिंग में, दूसरे दिन का खेल जब समाप्त हुआ। शुभमन गिल जो है वो आउट हो चुके हैं और जो हमारे दूसरे ओपनर है रोहित शर्मा वो भी आउट हो चुके हैं। रोहित शर्मा भी अच्छी फॉर्म में लग रहे थे एक तरीके से जो है, जब उन्हें जो नेथन बिल्कुल नेथन लायन ने जैसे लायन को जैसे आगे बढ़ के जो है शॉट लगाया तो लग रहा था कि हाँ अब अपनी निक में है। अच्छी अच्छी बात है कि आगे जैसे बढ़ेगी टेस्ट सीरीज तो मतलब इंडिया के लिए एक पॉजिटिव साइड है कि इतना बड़ा प्लेयर जो है वो अच्छी फॉर्म में है। बिल्कुल, लेकिन एक एक जो है यहाँ पे बात मतलब मेरे ख्याल से इंडिया के लिए रखनी ख्याल में रखनी जरूरी है कि पिच जो है वो बहुत स्लो होती जा रही है, वो हमें आज के दिन में पूरा पता चला कि कई कई बार तो बॉल जो है वो बाउंस इतना ज्यादा नहीं मिला। आई थिंक इंडिया नीड्स की कम से कम 100 रन की लीड तो हो आपके पास कि फोर्थ डे में जाके या फिफ्थ डे में जाके नेथन लायन को ऐसी पिच पे खेलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। नहीं बाब वो तो है और सही जैसे आपने कहा वो बिल्कुल आई थिंक मिनिमम 100 रन की लीड तो इंडिया को लेनी पड़ेगी ताकि अब अगर पिच और स्लो हो रही हो ताकि जडेजा और अश्विन के पास भी कुछ एक मौका मिले एक अटैक करने का बैट्समैन को। और ऑफ कोर्स लास्ट डे नेथन लायन काफी, और अगर ज्यादा बड़ा अगर इंडिया के पास स्कोर खड़ा हो गया तो फिर नेथन लायन को फेस करना बहुत मुश्किल हो सकता है। बहुत क्वालिटी स्पिनर है, आज भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। वो रोहित शर्मा वाला एक ओवर जो था वो 6/4 वाला वो तो एक एक्सेप्शन मान लिए क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी लाइन उन्होंने पकड़ रखी थी और बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने करी। बिल्कुल अच्छी बॉलिंग करी, तो दूसरे दिन का खेल जो है समाप्त हो चुका है। तो मेहरान सर अभी तो हम यही कह रहे हैं कि इवन स्टीवंस है, कल का जो फर्स्ट सेशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉल जो है अभी भी जो है पुरानी है तो पेसर्स के लिए तो इसमें कुछ रहेगा नहीं। अगर आपने लाइन और लेंथ ठीक रखी तभी शायद विकेट्स मिलेंगी आपको, जब नई बॉल लेंगे तब पेसर्स का रोल जो है देखते, क्योंकि आज भी यही हुआ जैसे ही इंडिया ने जो है नई बॉल ली उसके बाद जो है धड़ल्ले से विकेट्स आने शुरू हुए क्योंकि उसके पहले तो दोनों बैट्समैन अच्छा खेल ही रहे थे और स्टीव स्मिथ जो है अच्छी फॉर्म में लग रहे थे। तो देखते कि कल कितनी जल्दी जो है ऑस्ट्रेलिया बॉल लेता है और उसके बाद जो है उनके बॉलर्स क्या करते हैं। तो आज के दिन के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू सो मच मेहरान सर। कल जो है फिर से एक और जो है डे रैप लेके आएंगे और होप करेंगे कि उसके बाद भी हम यही बोले कि इंडिया जो है उसका पलड़ा भारी है और ये ना हो कि हम ये बोले कि ऑस्ट्रेलिया जो है अभी गेम में वापस आ चुका है। तो थैंक यू सो मच, कल फिर से मिलते हैं, कल देखते हैं 3 बजे मिलेंगे 4 बजे मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर और आपको जो है डे रैप जरूर सुनाएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, बाय 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 बाय।